दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के मेरे पास तरह तरह के सवाल आते हैं। उसमें से एक कॉमन सवाल है कि अगर हमारा फोन खो जाए तो उसको ट्रैक कैसे करें और IMEI नंबर क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज की कमाल वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं मोबाइल ट्रैकिंग और IMEI नंबर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपका फोन खो गया इसमें तो दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन, अगर आपका फीचर फोन है, फीचर फोन में आपको कुछ नहीं करना है, बस जाना है, FIR दर्ज करना है और आपको जाकर दूसरा सिम निकाल लेना है, बस दैट्स इट। और अगर आपका स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन मतलब आईफोन या एंड्रॉयड, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तुरंत केस नहीं दर्ज करना है। तो पहले आपको जाना एंड्रॉयड वालों को जाना है एंड्रॉयड मैनेजर में, iOS वालों को जाना है iCloud में। वहां से आप जाकर अगर आपका फोन खो गया है तो उसमें आप जाकर वहां से आप अपने फोन में अगर किसी भी प्रकार का लॉक नहीं लगाया और अपने प्राइवेसी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो वहां से आप जाकर अपने फोन को लॉक कर सकते हैं। और आप छोटा सा मैसेज छोड़ सकते हैं, अगर ये फोन अगर किसी भले आदमी को मिला तो वो शायद आपको वापस कर दे, नहीं तो अगर ये भी इसमें भी सेम करना है, आपको जाना है FIR दर्ज करना है और जाकर दूसरा सिम निकाल लेना है। अगर आपके पास FIR दर्ज करने के लिए आपके पास IMEI नंबर नहीं है तो आप अपना IMEI नंबर डैशबोर्ड से भी जाकर निकाल सकते हैं। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। एक और फीचर रहता है कि अगर आपका फोन नहीं मिल रहा है तो वहां से आप अपना अपना सारा डाटा डिलीट भी कर सकते हैं। बस सेम प्रोसेस iOS में भी होता है। जैसे कि आपने एंड्रॉयड मैनेजर से एंड्रॉयड के लिए करते हैं, वैसे ही iOS के लिए iCloud से करना पड़ता है। बस आज के लिए बस इतना है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।